किसी भी सरकार में जो लोकतांत्रिक सरकार होती है उसमें बैठकों का बड़ा महत्व होता है। ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकें व्यवस्थित तरीके से हो सकें, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्यवस्थित करने के लिए तीन चार चीजों की बहुत जरूरत है। पहला कि सबको बराबर सूचना मिले, जिनको आना है उनको बराबर जानकारी और समय पर सूचना मिल जाए प्रॉपर तरीके से। बैठक में जब लोग आए तो बैठक शुरू होने से पहले बैठक के लिए अनुकूल माहौल बनाया जाए जिसमें लोग अपनी बातें कह सके खुल करके, और लोगों की सबकी बातें सुनी जाएं और उनकी बातों पर उनके प्रस्तावों पर गंभीरता से विचार किया जाए, और विचार करने के बाद अगर कोशिश हो कि सबकी सहमति से उस पर निर्णय लिए जाएं। अगर ये निर्णय सहमति के आधार पर हो जाते हैं, लोगों की बातें सुनी जाती हैं, तो वो पूरी की पूरी पंचायत और वो मीटिंग लोगों को अपनी लगती है। और यह है अपनापन, सबसे व्यापक या सबसे महत्वपूर्ण प्रबंधन हो सकता है बैठकों का, और इससे बैठकें बहुत सफल हो सकती हैं।